ये जो नए गेमिंग प्रोज आ रहे हैं वैलोरेंट में, यस इनमें कौन कौन से प्लेयर आपकी नजर में आ रहे हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो नए प्रोफेशनल प्लेयर्स आ रहे हैं फिलहाल जो भी खेल रहे हैं वो सब तो CS:GO वाले ही हैं खेल रहे हैं, बट एपेक्स लेजेंड से प्लेयर्स, फोर्टनाइट से प्लेयर्स, पबजी से, पबजी मोबाइल से बहुत सारे अलग अलग प्लेयर्स आ रहे हैं एंड दे आर परफॉर्मिंग वेरी गुड इन द टूर्नामेंट्स एज वेल। आई थिंक एक नाम मैं लूंगा, एक बंदा है स्ट्रिक्स, जिसको मैंने उसके सामने खेला है और उसके साथ में भी खेला है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके पास बहुत ही अच्छा टैलेंट है एंड उसको जस्ट अभी क्या करना है मालूम है, उसको अभी टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करके वो एक्सपीरियंस लेना है और जितना ज़्यादा खेल सके वो खेलना है, बिकॉज आई थिंक उसकी एज भी बहुत कम है। आई थिंक 18-19 का है वो, सो ही इज़ यंग एंड इफ ही इज़ हंग्री टू बी द नंबर वन, ही हैज दैट इन हिम। इट्स जस्ट दैट यू नो उसको वर्क करना है बहुत सारे दूसरे दूसरे एस्पेक्ट्स पे जो आपको ऑलराउंड प्लेयर बनाता है, तो उसमें उसको वर्क करना है। जैसे पबजी ओरिजिनली PC गेम है और उसका जो मोबाइल वेरिएंट आया था इंडिया में, उसकी वजह से गेमिंग ऑडियंस बहुत ज़्यादा फैली है, तो क्या आपको लगता है कि वैलोरेंट मोबाइल पे आएगा तो उससे वैलोरेंट को फ़ायदा होगा? ऑफ कोर्स फायदा होगा। जो स्टोरी है पबजी की, मुझे लगता है वो सेम वैलोरेंट में भी हो सकती है, बिकॉज आप अगर जो 10-15 हज़ार का फोन ले लो और उस पर वैलोरेंट खेलो, दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू देन प्लेइंग ऑन अ PC विच विल कॉस्ट यू अराउंड 60-70 थाउजेंड। सो आई थिंक प्लेयर बेस ज़्यादा हो जाएंगे वैलोरेंट के, एंड अगेन इट विल बी विन विन फॉर बोथ द टीम, बोथ द जॉनर्स, लाइक मोबाइल के लिए भी अच्छा हो जाएगा, PC के लिए भी अच्छा हो जाएगा। सो यस, कमिंग टू पबजी मोबाइल, व्हाट वाज योर रिएक्शन व्हेन यू नो द गेम गॉट बैंड इन इंडिया? इट वॉज अ वेरी यू कैन से हार्ट ब्रेकिंग, बिकॉज जो पबजी प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं बेसिकली उनके लिए मतलब थोड़ा सा बुरा लगता है मुझे, बिकॉज अगर जो आप कोई गेम खेल रहे हो और आप प्रोफेशनल लेवल पे खेल रहे हो, आप अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वो ही गेम अगर जो गवर्नमेंट बैन कर देती है, ऐसा भी नहीं कि किसी और ने, गवर्नमेंट ने ही बैन कर दिया है, तो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग लगता है वो। और मुझे दिल से लगता है कि यार पबजी वापस आना चाहिए मोबाइल, बिकॉज यार पबजी मोबाइल के वजह से ही इंडिया में ई स्पोर्ट्स का इन्वेस्टमेंट इतना ज़्यादा बढ़ गया है, मुझे लगता है कि वो कंटिन्यू रहना चाहिए फॉर द ग्रोथ ऑफ इंडियन ई स्पोर्ट्स। फनाटिक, TSM इंडिया और अभी वाइटालिटी भी आ गई है, आई डोंट नो व्हाट देयर प्लान इज, बट वाइटालिटी इज देयर इन इंडिया, और बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आने वाले हैं जहाँ तक मैंने सुना है। फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस और द फॉरेन ई स्पोर्ट्स कंपनी सी इंडिया एज अ मोबाइल मार्केट, एंड बिकॉज इतनी ज़्यादा ऑडियंस है मोबाइल में, बीट पबजी मोबाइल और बीट फ्री फायर और वॉट नॉट, इतना ज़्यादा ऑडियंस है उनमें कि एनी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन बीट फॉरेन बीट इंडियन विल बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट आई थिंक दैट दैट शुड ऑल्सो यू नो काइंड ऑफ बूस्ट द PC गेमिंग, एंड यू नेवर नो, सम फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन माइट कम इन इंडिया फॉर PC गेमिंग ऑल्सो लाइक इट डिड बिफोर। मुझे दिखने में आता है कि यार पबजी मोबाइल ना है तो भी इनको मतलब दे हैव नॉट स्टॉप्ड, दे आर स्टिल कंटिन्यूइंग, एंड इट इज़ सो गुड टू सी कि यार बिकॉज अभी क्या है ना, अभी अलग अलग चीज़ें आ रही हैं, यू नो वीलॉग्स आ रहे हैं, या फिर कोई अमंग अस का स्ट्रीम फनी हाईलाइट हो गया, या फॉल गाइस का फनी हाईलाइट हो गया, अभी रिसेंटली माइनक्राफ्ट का ज़्यादा हाईलाइट्स देखे आप, वैलोरेंट भी खेल रहे हैं लोग। वैलोरेंट भी खेल रहे हैं, और एक बात तो बोलना पड़ेगा, कोई मेरे से माने या ना माने, बट वैलोरेंट के सक्सेस के पीछे मेजर हाथ पबजी मोबाइल प्लेयर्स का है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट हियर। जो ऑडियंस वैलोरेंट देखती है बहुत ज़्यादा, उसमें से बहुत ही ज़्यादा लोगों का कंट्रीब्यूशन ये इन्फ्लुएंसर्स का है जो पबजी मोबाइल खेलते हैं, और इट्स गुड टू सी पीपल फ्रॉम द मोबाइल कम्युनिटी सपोर्टिंग द PC गेम ऑल्सो, सो यू नो आई फील ग्रेट एंड आई फील यू नो थैंकफुल टू द पीपल हु हैव सपोर्ट द गेम।